अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। आज मौजूद हैं जॉयलैंड पार्क रावलपिंडी में और देखते हैं यहाँ कौन कौन से मज़े मज़े की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं आप जब भी आप अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आएँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फैमिलीज़ वगैरह आई हैं अपने बच्चों के साथ और काफ़ी इंजॉय कर रही हैं। यहाँ पर बहुत सारे झूले हैं बच्चों के लिए और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होंगे यहाँ पर आके। बहुत सी मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं आप यहाँ पर। जी, आज हमारा वैसे तो फर्स्ट डे है यहाँ पे जॉयलैंड में, लेकिन जहाँ तक देखा है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। माहौल वगैरह अभी तक तो बहुत फ्रेंडली लग रहा है, कोई ऐसा मतलब इंजॉय कर रहे हैं सारे यहाँ पे। इसके अलावा पार्क में खाने की भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि फैमिलीज़ यहाँ पर बैठ के खाना वगैरह अपना इंजॉय कर रही हैं और बच्चे भी खेल रहे हैं। और जब भी आप यहाँ पर हैं, कोशिश करें कि सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जॉयलैंड पार्क में आपको सुपर स्पेस नाम की भी जगह नज़र आती है, जहाँ अंदर आप फैमिली के साथ सिर्फ जा सकते हैं और अंदर बहुत मुख्तलिफ किस्म की फैसिलिटीज़ हैं जिसको आप इंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर बच्चों के बहुत सारी खेलने की गाड़ियाँ शाड़ियाँ मौजूद हैं और बच्चे इंजॉय करें फुल टाइम, और बहुत ही प्यारा माहौल है यहाँ का। काफ़ी फ्रेंडली माहौल है यहाँ पे, मतलब हमने ज़्यादातर फैमिलीज ही देखी हैं और जितने भी हैं काफ़ी मतलब साफ़ सुथरा है पार्क और झूले वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं यहाँ। बचपन में मुझे मैरी गो राउंड पसंद था काफ़ी, ठीक है, लेकिन अब चूँकि बड़े हो गए हैं तो ये डिस्कवरी जो है अभी रिसेंटली ली है और काफ़ी मज़ा आया। इसके अलावा पार्क में बहुत सारे झूले मौजूद हैं जो कि अगर आप टिकट लेते हैं जो कि 800 रुपये का आपको पड़ेगा, तो आप बिल्कुल फ्री में इन सबको इंजॉय कर सकते हैं। और सफाई का बहुत अच्छा ख्याल रखा गया यहाँ पे, और आप सामने अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे वहाँ से आप खाने के लिए अपने लिए बहुत सारी चीज़ें भी ले सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि बच्चे कितना ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, झूले वगैरह ले रहे हैं, और ये बिल्कुल फ्री है, सिर्फ आपको इसके लिए एक टिकट लेना पड़ेगा। और इस साइड पर भी आप अगर देखें तो ये भी बच्चों के लिए बहुत खूबसूरत झूला है। माशाल्लाह से बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, आउटिंग हो जाती है उनकी, माहौल अच्छा है। सर, यहाँ पे जो है सिर्फ फैमिली अलाउड होती हैं, फैमिली के अलावा जो है वो सेपरेट कोई जो है नहीं आ सकता, सिर्फ फैमिली अलाउड है इसमें। इसके अलावा यहाँ पर ट्रेन वगैरह भी चलती है बच्चों के लिए, जिसमें बच्चे बैठ के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ना सिर्फ यहाँ पर बच्चों के बल्कि बड़ों के झूले भी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। और मैं तो यही कहूँगा कि इसमें बच्चे बिल्कुल भी ना बैठें, बच्चों के लिए अलग से झूले हैं ये। और बहुत सारे झूले हैं इस किस्म के जो कि मेरे ख्याल से तकरीबन 800 रुपये के टिकट में बिल्कुल फ्री हैं। पार्क अच्छा है, फैमिली पार्क है, साफ़ सुथरा पार्क है, नीट एंड क्लीन। प्राइसेस ज़्यादा नहीं है, मुनासिब ही हैं। हम फैमिली अंदर ही हमारी, हम बाहर खड़े हैं, बाहर ये कि प्राइसेस नॉर्मल है, ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे बड़ों के लिए भी झूले मौजूद हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था, और ये झूला तो बिल्कुल भी बच्चों के लिए नहीं है, और लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर आके। ये झूला भी आप देख रहे होंगे, इसमें भी बच्चे बैठ सकते हैं फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा पार्क है, फैमिली पार्क है, सब एंजॉय कर रहे हैं, साफ़ सुथरा माहौल है, गुड है। प्राइस इतने ज़्यादा आई नहीं है, नॉर्मल प्राइसेस है। बचपन में ज़्यादातर शिप वाला आई थिंक लिया था, वही आज तक फेवरेट है। और यहाँ पर खाना खाने के लिए कैंटीन वगैरह भी मौजूद हैं जिनका रेट काफ़ी मुनासिब है, और सफाई का भी अच्छा ख्याल रखा गया और खाना भी बेहतरीन है। कोशिश करते हैं कि फैमिलीज़ वगैरह का भी रिएक्शन लें और उनसे पूछें कि वो यहाँ पर आके एंजॉय कर रहे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पार्किंग का भी बहुत अच्छा निज़ाम है। और आज के व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।